एक ताजा जानकारी यह है कि आज दोपहर 2 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। वहां का हाल तो हम आपको दिखाएंगे, फिलहाल आप देखिए यहां पर लोगों की भारी भीड़ मुझे नजर आ रही है, क्योंकि आज सोमवार का दिन भी है, शिवजी का दिन इसे माना जाता है। पूजा पाठ करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर आज आए हैं। सुबह से यहां पर भक्तगणों का तांता लगा हुआ है। मैं भी मंदिर परिसर के अंदर गया था, वहां का मैंने आपको हाल भी बताया दिखाया, और देख रहे हैं आप किस तरीके से यहां पर तमाम लोग जमे हुए हैं लगातार। और आप अभी भी यहीं पे गए नहीं घर? हम तो यहीं पर हैं, और हम तो बाबा का जब तक असली स्वरूप में उनकी पूजा अर्चना जब तक नहीं शुरू हो जाएगी तब तक हमारा संकल्प है कि हम काशी में ही रहेंगे। किस स्वरूप की बात कर रहे हैं आप? देखिए बाबा जब मिल गए हैं और बाबा की जब शिवलिंग प्रकट हो गए वहाँ पर दिख गया है, तो हम शीघ्र अति शीघ्र बाबा की पूजा अर्चना शुरू होनी चाहिए। चलिए मैं हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। मैं जरा अजय दुबे का रुख करना चाहूंगा, मेरे एक और सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी बिल्कुल, एक तरफ ये हर हर महादेव का जय घोष है, दूसरी तरफ कोर्ट में जो ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, महिलाओं का जो पक्ष रखेंगे वकील, आज जो मुख्य चेहरा इन सब मामले में रहने वाले सुधीर त्रिपाठी जी हमारे संग मौजूद हैं। सर 10 बज रहा है तकरीबन, क्या लग रहा है सुनवाई का समय कितने बजे रहेगा? 11 बजे कोर्ट साहब बैठ जाते हैं जज साहब, और वो समय निर्धारित करेंगे, चूँकि आज पहले हम लोग का मुकदमा चलता था सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के यहाँ, अब वह मुकदमा चलेगा जिला जज वाराणसी के यहाँ। तो पहले वहाँ पत्रावली की पेशी होगी और उसके बाद जज साहब समय निर्धारित करेंगे या दोनों पक्ष सुनाएंगे तो सुन लेंगे। 10:32 हो रहा है सर अभी, तो क्या पूर्व निर्धारित समय नहीं, क्योंकि अभी चर्चा हो रही है कि 2 बजे उस पर सुनवाई हो सकती है। ऐसा है जो चर्चा हो रही है इसको आप कन्फर्म मत मानिए, क्योंकि जब तक कोर्ट समय डिसाइड नहीं कर देती है तो मैं 2 बजे 2:30 बजे सुनूंगा, कि पूर्व कोर्ट वाला जो समय था वो 2 बजे हम लोग रखवा लिए थे, तो अब जो जज साहब जो है जिला जज जब इसको रखेगा तब माना जाएगा। मुख्य वाद जो इस पूरे मामले में है राखी सिंह और आपके पक्षकारों के अलावा क्या क्या और सुनवाई होगी? हिंदू पक्ष के आप वकील हैं, पूरी टीम ने क्या चर्चा? ऐसा है कि बहुत सारे प्रार्थना पत्र पेंडिंग हैं, जैसे दावा की पोषणता पर भी है, और एक हमारा कमीशन के दौरान जो शिवलिंग मिले हैं उनके आसपास मलबा हटा करके उनकी सफाई करके रिपोर्ट मांगने की सुरक्षा है। एक प्रार्थना पत्र जिला सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पड़ा हुआ कि मछलियों को उनके लैट्रिन जाने के लिए और पाइप को शिफ्ट करने के लिए प्रार्थना पेंडिंग, सब पर आपत्तियां आ चुकी हैं। अब जिस पर जिला जज निर्धारित करे सुनवाई हो जाएगी। पुराना जो मामला था, पुराने मामले में भी बार बार इंतजामिया कमेटी दोहराता रहा, सुप्रीम कोर्ट में भी दोहराया, और आज फिर मेरी बात हो रही थी अभय जी से तो उन्होंने बताया कि ये मामला पोषणीय नहीं है, जज के सामने वो बात कहेंगे, आप लोग क्या कहेंगे? यह तो उनका कहना पोषणीय नहीं है, मेरा कहना पोषणीय है, और जज के सामने अगर वो कहते हैं तो मैं जवाब दूंगा। जवाब देने की बात है सर। और दूसरा ये याचिका, एक जो नई याचिका आपके जिनके लिए केस आप लड़ रहे हैं उन्होंने लगाई है कि जो वो पूरा हिस्सा है उसको तोड़ के शिवलिंग के आकार प्रकार स्वरूप के बारे में जांच हो, उसको लेके क्या लगा? ये तोड़ना शब्द कहीं नहीं है, ऐसा है कि जहाँ शिवलिंग प्राप्त हुए हैं उसके ठीक दक्षिण तरफ नंदी जी हैं, और नंदी शिव जी के बीच में एक तहखाना है जो ब्यास जी का तहखाना कहा जाता है, उसमें ईंट पत्थर बालू और जो है मलवा बांस बल्ली इत्यादि भरे हुए हैं, उसको हटा करके और शिव जी जहाँ प्राप्त हुए हैं वहाँ का सिर्फ पूर्वी दीवार पर एक दरवाजा, दरवाजा को ईट पत्थर बालू सीमेंट से बंद कर दिया गया, इसको खोलकर मलबा हटाकर उधर दीवार खोलकर मलबा हटा करके रिपोर्ट आने की बात है, कोई तोड़ने की बात नहीं कहीं से है। तो आरोप लगा रहे ना कि जो पुराना एक्ट बना है, जो जो धार्मिक जगहों का स्वरूप है वो बदलना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ है ये, इसीलिए इसे पोषण। भैया मेरे धार्मिक स्वरूप को नहीं बदलना चाहिए, ये तो कन्फर्म करना पड़ेगा ना कि धार्मिक स्वरूप या मस्जिद है कि मंदिर है। अगर शिवलिंग के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं तो मस्जिद हो जाएगा, ये तो कोर्ट की बात है, कोर्ट में जवाब दे देंगे, कोर्ट में जवाब देंगे। दूसरा आज भी क्या वो मछली और वजू खाना इन सब विषयों पे भी चर्चा हो सकती है? जिला जज जिस पर आप सुनवाई के लिए कहते हैं उस पर हम लोग जवाब देने को तैयार हैं। याचिका सर पूजा की अनुमति की भी लगी और आज एक और लगने जा रही है, तो इतनी बड़ी सूची हो गई है याचिकाओं की और नोटिसों की, क्या तैयारी आप? देखिए इस मुकदमे में राखी सिंह वगैरह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह में हमारे तरफ से कोई ऐसी याचिका भी नहीं लगी है, कोई प्रार्थना नहीं दिया गया है। ये 350 पे सुनने को आ रहा है कि लखनऊ से याचिका दिया गया है, कुछ दिए हैं 350 में, तो उसमें दिया गया तो उस पर सुनवाई होगी। अच्छा, जिन महिलाओं का पक्ष में आप कोर्ट में सर कर रहे हैं जी रहे, उनके खिलाफ आप ही के पक्ष के बिसेन जी हैं, वो बोल रहे हैं कि ये पहले पैसा ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, आपस हिंदू जो संगठन इस पूरे मामले में है आपस में टूट हो गई आप लोगों में? ऐसा कोई टूट नहीं हुआ है, और जहाँ तक बिसेन जी की बात है आप मीडिया वाले शुरू से बिसेन जी का स्टेटमेंट सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोग खुद ही इसका जवाब पा लेंगे, हमसे उसे कुछ ही कहना है। आज के लिए क्या मन में भाव है सर? आप तो हर दिन सुबह ध्यान करते हैं, माला जपते हैं, आज क्या भाव लेके निकलेगा सर? सर्वथा मेरी विजय होगी, सत्य है सत्यमेव जयते। जयते कह रहे हैं। मुख्य जो आज पूरे मामले में सुनवाई होनी है उसके वकील हैं सुधीर जी, जो एबीपी न्यूज पर पूरी बात रख रहे जी। Gracias.
चलिए अजय, अजय मैं दोबारा आपके पास लौटूं, उससे पहले एक बार फिर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूं मुख्य द्वार के पास, और आप देख रहे हैं यहां पर भीषण गर्मी है, प्रचंड धूप, इसके बावजूद जो भक्तगण है उनके उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, लोग देश के विभिन्न प्रांतों से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम बनारस के ही रहने वाले हैं। जी हाँ जी जी, मैं पटना से आया हूँ। मुंबई से आए सर? भदोही सर। दर्शन हो गए? दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है, नंदी के भी दर्शन बहुत सुंदर ढंग से हुआ है। कौन से नंदी के दर्शन किए आपने? बड़े नंदी, जो भगवान भोलेनाथ के बड़े नंदी हैं, जिस जो ताक रहे हैं मस्जिद के तरफ, उनका दर्शन साक्षात हमारे पास आएंगे। नंदी जी इंतजार कर रहे हैं, हमें आस्था है कि अब पिछले वर्ष कुछ ही समय में जल्द से ही जल्द आ जाएंगे। अच्छा, आइए मैं जरा दर्शकों को ये भी दिखाऊं, देखिए यहीं से अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर का जो ये मुख्य द्वार है, और देखिए एक एक बुजुर्ग आप देखिए व्हील चेयर पर आए हुए हैं, देखिए श्रद्धा जो कहते हैं ना आस्था, वाकई में आप देखिए जरा ये जो बुजुर्ग हैं व्हील चेयर पे हैं, और एक इधर महिला भी नजर आ रही है वो भी व्हील चेयर पर हैं, मतलब चलने फिरने में लाचार, लेकिन बाबा के दर्शन के लिए आप देखिए किस तरीके का उत्साह उमंग इनके मन में, बड़ी संख्या में लगातार लोग आते हुए, क्या कहना चाहेंगे ये जो पूरा नया विवाद देखने को मिल रहा है इस पर? विवाद इसमें तो एक कुछ भी नहीं है, हमारे मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि स्वेच्छा से और हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, क्योंकि भगवान, अब मामला अदालत में है ना, ये कहां से आए आप? आई कैनॉट इंडिया, प्लीज बोलो इंग्लिश भाई। आई एम कमिंग फ्रॉम रामेश्वरम, इन रामेश्वरम। देखिए ये आप देख रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, जब ये दर्शकों तक ये पूरी जानकारी यहाँ से मैं पहुँचा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे भारत की तस्वीर नजर आ रही है, मानो ये मिनी इंडिया हो। पूर्णिया सिटी जानी ना, पूर्णिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है, कम हियर। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।